सर ने बात की है जी बहुत ज्यादा। ये देखें कितना टाइम लगता है। ये बड़ा ये फाइव स्टार होटल है ना, पर कॉन्टिनेंटल होटल, उसमें बड़ा यूज होता है। बल्कि लेडीज जो है ना घर में बैठी हुई वो भी काम कर सकती हैं, इसमें पॉलिश कर सकती हैं, हुक लगा सकती हैं, बड़े ऐसे काम है कि घर में बैठ के भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खिजर आता हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि जो फैंसी हैंगर हैं, जो स्पेशली जिसकी लकड़ी जिसको येलो पाइन कहते हैं, ये बाहर से यूएसए से इंपोर्ट की जाती है और इसे स्पेशली प्रोडक्ट के लिए खास तौर पर ऐसे ब्रांड जो आप देखते होंगे कि जो बहुत बड़े ब्रांड हैं उन पे ये हैंगर्स यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़े लोग गाड़ी में जाते हैं तो उन्होंने अपने कपड़े इस हैंगर में हैंग किए होते हैं। ये हैंगर कैसा कैसे बनता है, इसका कारोबार कैसा है, इससे किस किस तरीके से आप भी कारोबार कर सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हमारे साथ इस फर्म के ऑनर मौजूद हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। तो चलें जी आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा सर, हमारे नाजरीन को सबसे पहले अपना और अपने कारोबार का तारुफ कराइएगा। सर मेरा नाम तनवीर है और मैं सियालकोट में ये वुडन हैंगर का जो है ना ये काम कर रहा हूँ, पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ मैं। और ये इसमें इम्पोर्टेड भी हैं, लोकल भी हैं और हर किस्म के हैंगर जो है ना हम बना रहे हैं। सर आपने बताया 30 साल से आप काम कर रहे हैं जी, बताइएगा कि ये ओवरऑल कैसा कारोबार है? सर ये बड़ा अच्छा काम है, ये छोटे छे थोड़े से पैसों से भी ये जो है ना काम शुरू हो सकता है और इसको जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है, मैं इस काम से बड़ा मुतमिन हूँ और बड़ा अच्छा मेरा काम जा रहा है। ठीक है सर, बताइएगा कि ये लकड़ी कहाँ से इंपोर्ट की जा रही है, क्या ये पाकिस्तानी है, हमारी जो लोकल पाकिस्तानी लकड़ी है उससे भी बनाए जा सकते हैं कि ये आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं इस लकड़ी को? सर ये जो है ना हमारा लकड़ी आती है ये यूएसए से इंपोर्ट होती है, इसको येलो पाइन कहते हैं। इसमें जो है ना निशान वगैरह नहीं होते, इसमें जो है ना वो बड़ी खूबसूरती आती है, पॉलिश बहुत अच्छी आती है। तो जो कस्टमर है ना उसकी डिमांड है कि जितनी इसकी लुक अच्छी होगी ना उतना ही अच्छा जो है ना इसका फिर रिस्पॉन्स मिलता है। तो सर एक बात, जो हम लोकली अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं हैंगर, अक्सर वो प्लास्टिक या स्टील के होते हैं, हमने देखा है कि 200-250 रुपये दर्जन मिल जाते हैं, तो क्या कहेंगे कि लोग उनको छोड़ के इस हैंगर की तरफ कैसे आए या कौन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? सर ये एक्चुअली जो है ना ये जैकेट में भी इस्तेमाल होता है और शर्ट में भी इस्तेमाल होता है और उसके बाद ये होटलों में, 5-स्टार होटलों में भी इस्तेमाल होता है। इसमें जो एक हैंगर है हमारा वो आम घरों में बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, जो बुटीक वगैरह हैं उसमें बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, ये बुटीक में इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी टेलर जितने भी हैं बड़े अच्छे जो ब्रांड हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, क्योंकि आजकल फैशन का दौर है, अच्छी चीज़ जो है ना उसकी डिमांड है। तो ठीक है, प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन कस्टमर जो है ना अच्छी चीज़ लेने वाला भी है और दरमियानी चीज़ भी लेने वाला है। तो ये है कि ये जो लकड़ी का हैंगर है ना इसमें जो है ना ये मज़बूत बहुत है, इसकी गारंटी है, अगर हमारा हैंगर टूट जाए तो हम उसको फिर वापस ले लेते हैं, हम तो उसको फिर भी ठीक कर लेते हैं। ये है कि वापस कभी नहीं आया, इसकी जो है ना गारंटी है। इसको किल जो लगाते हैं बड़ा मज़बूत होता है, हुक जो लगाते हैं वो भी बड़ी मज़बूत होती है, ठीक है, और पॉलिश भी इसको करते हैं, मैट में भी होता है, हर तरह का जिस तरह कोई चाहे उसको ना ये तैयार करके दे देते हैं। अच्छा सर, जो मेरा सवाल ये है कि बताइएगा कि इसको बनाने के लिए, इस हैंगर को बनाने के लिए क्या खास किस्म की कारीगर की ज़रूरत है या इसको आम बंदा या थोड़े दिन की ट्रेनिंग से ही अपना कारोबार ये कर सकता है? देखें सर ये रेगुलर आइटम है, कोई नई नई चीज़ नहीं बनती, जिस तरह फर्नीचर होता है फर्नीचर में कभी कोई कुर्सी बनानी पड़ गई, कभी कोई टेबल बनाना, बेड बनाना, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ये एक ही आइटम है रेगुलर, एक ही काम है, सुबह आना है शाम को करना है, क्वांटिटी का काम है बस। आम बंदा भी जो है ना हमारे पास अगर आए ना तो एक महीने में वो ट्रेंड हो जाता है, वो अपना काम भी कर सकता है, हमारे पास करना है आप हमारे पास भी कर सकता है और अच्छे जो है ना अपना रोज़गार जो है ना कमा सकता है। तो तनवीर साहब ये बताइएगा कि एक तो बता दिए कि ये काम आसान है, कोई भी बंदा सीख के हमारे पास एक महीने की ट्रेनिंग लेके अपने इलाके अपने शहर में ये काम कर सकता है, क्या अगर कोई बंदा आपके पास नहीं आता इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है कि इस काम को कर सके, इससे पैसे कमा सके?
जी क्यों नहीं, वो इसके बस दो तीन चीज़ें हैं, छोटे छोटे टूल्स होते हैं, वो अगर वो बना ले तो बैठ के अपने घर में काम कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बल्कि लेडीज़ जो है ना घर में बैठी हुई वो भी काम कर सकती हैं, इसमें पॉलिश कर सकती हैं, हुक लगा सकती हैं, बड़े ऐसे काम है कि घर में बैठ के भी हो सकता है। सर ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही मैनुफैक्चरिंग इसकी करे, मेरे पास आए, मेरे पास सैंपल ले, दूसरे शहरों में जाए, इसका बड़ा बिजनेस है, मार्केटों में जाए और जाके ऑर्डर बुक करे और आके हमें बताए और जितना माल चाहिए वो उसको मिल जाएगा और बड़ा अच्छा मुआवजा मिलेगा उसको। तो सर हमारे नाजरीन को बेहतरीन सा बिजनेस प्लान दीजिएगा कि कोई भी बंदा इस सेटअप को लगाना चाहे, इसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा और इसको बेचेगा कहाँ पे? सर इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये बड़ी आसानी से इसका मटेरियल जो है ना इधर अवेलेबल है, तो वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, बड़ी आसानी से वो बैठ के अपने घर में इसका जो है ना वो कर सकता है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और मार्जिन भी इसका बड़ा अच्छा है, 25-30% जो है ना बहुत आसानी मिल जाता है। तो सर इस पे जो मशीनरी है वो कितने की लग जाएगी? और सर इसमें इतनी बड़ी मशीनरी की कोई बात नहीं है, ये बने बनाए जो है ना टूल्स बाज़ार से मिल जाते हैं, 15,000 रुपये का एक अड्डा मिलता है और 15 का एक मिलता है और शाम को बंदा प्रोडक्शन शुरू कर देता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब सिर्फ ये 30,000 सर हम बात आपके मुताबिक 30,000 पे की इसकी जी मशीनरी आ गई है। हाँ जी जी, तो और मटेरियल जो है ये इधर मिल जाता है इसका, ये है इम्पोर्टेड ये, लेकिन सियालकोट में ये कंटेनर वगैरह जो है ना स्पोर्ट्स वाले वो मंगवाते हैं, उनसे हम जाके जितना हमें चाहिए वो मिल जाता है, अगर 10,000 का चाहिए वो भी मिल जाता है, 1,00,000 रुपये का चाहिए वो भी मिल जाता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मटेरियल मिल जाता है, कोई इसका मसला नहीं है। तो सर हमें दिखाइएगा कि कौन कौन से हैंगर हैं, किस किस काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो ये लगे हैं मैं देख रहा हूँ इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ सर ये मैं आपको एक एक पीस बताता हूँ, ये जो है ना ये शर्ट हैंगर है और ये बतीक में जो है ना लेडीज हैंगर भी जो है ना बड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत इनफासत और बहुत ये अच्छी इसकी जो फिनिशिंग है माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और ये भी जो है ना एक ब्रांड है वो उसका जो है ना हम ये तैयार कर रहे हैं, उसका जो है ना अपनी एक डिजाइनिंग है उसके मुताबिक जो है ना उसको हम कर रहे हैं। अरे सर इनके बारे में ये आपका शर्ट के लिए जी, शर्ट को लेडीज भी किसी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और ये है, ये भी एक एक आर्टिकल है, ये लैदा लैदा है, मुख्तलिफ हमारे पास कंपनी है उनकी अपनी अपनी डिजाइनिंग है ना। हाँ जी, और ये जो है ट्राउजर हैंगर है, इस पे ये क्लिप लगे हुए हैं, इस पे ग्रिप होती है क्लिप पे ऐसे, तो इसको हम ट्राउजर हैंगर कहते हैं, स्कर्ट हैंगर भी कहते हैं, ठीक है? ये 5-स्टार होटल है ना, पर कॉन्टिनेंटल होटल, उसमें बड़ा यूज होता है ये। अच्छा सर ये हमारे मॉडल हो गए जी, दिखाए आपने जी, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि ये आपका जो सेटअप है वहाँ से आपके पास जो रॉ मटेरियल आता है वो उसकी इधर आके आप किस तरह से जुड़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल दिखा दीजिएगा। हाँ सर ये देखें, इस तरह ये जो है ना एक पैटर्न होता है, पैटर्न के साथ इसको ना हम कटिंग करते हैं इसकी, ठीक है? पैटर्न रख के ना लकड़ी पे ऐसे कटिंग हो जाती है, मशीन पे ये कटिंग होगी, ये कटिंग हो गए, दो पीस बन जाते हैं, ठीक है? इसको फिर हम इसमें ना थोड़ा सा कट लगाते हैं, वही अड्डे पे जो अड्डे बाजार से मिल जाते हैं जी, जी। ये पीस इसके अंदर लगती है गिलू के साथ, लगा के दिखा। हाँ जी मैं जरूर दिखाता हूँ, ये ऐसे होता है और ऐसे ये इसको गिलू लगता है। सर ने बात की है जी बहुत ज़्यादा, ये देखें कितना टाइम लगता है, ये बड़ा इजीली जो है ना ये, तो सर इसको डेली पे आप एक बंदा ये कितने के बना सकता है? ये सर एक बंदा जो है ना 100 पीस जो है ना बहुत आसानी से बना लेता है, ठीक है? हाँ जी ये देखें, ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया। इसके साथ ये जो है ना ये नीचे जो है ना स्टिक लग जाती है तैयार हो गए, और ये हैंगर तैयार हो गया। हुक देखो बेटा उधर है पड़ी हुई, ये हुक होती है इसकी, सर हुक भी लगा के ठीक है, ऐसे इसके सुराख डाल के ना इस पे, ठीक है? इस पे जो है ना ये टर्न हो जाती है, ऐसे लग जाती है, ठीक है?
तो मैं मुझे भी समझ आ गई है, उम्मीद है हमारे नाजरीन को भी इसकी समझ आ जाएगी कि ये बहुत आसान काम है। हाँ, सर ने ऑप्शन बी दे दी है कि अगर कोई बंदा अपनी मैन्युफैक्चरिंग ये करना चाहे तो वो भी कर सकता, बड़े बहुत ही आसान, हम ट्रेनिंग भी देंगे। हाँ, अगर कोई बंदा हमसे होलसेल पे लेना चाहता है, वो अपना बिजनेस करना चाहता है, वो भी हम इसकी जो है ना उसको माल प्रोवाइड करेंगे जी। तो सर बताइएगा कि अगर कोई बंदा आपके पास आना चाहता है उसको अपना एड्रेस दीजिएगा। सर मेरा जो मोबाइल नंबर है 03224095940 है। ये आपका मोबाइल नंबर हो गया, इसके अलावा अपना एड्रेस बता दीजिएगा। एड्रेस ये जो है ना सियालकोट में पुरानी सबद मंडी है, उसके साथ रेलवे लाइन है, उस पर हमारा सेटअप है, पिछले 30 साल से इधर ही हैं हम जी। और जिस किसी को भी मिलना हो किसी से भी आके पूछे कि तनवीर हैंगर वाले, तो वो पता चल जाता है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी टाइम निकाल के और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक दी, तो इंशाल्लाह जी हमारे व्यूवर्स ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।